बकेट की सफर। चिल्लमपुर नाम का गांव था। गांव में रहती थी वंदना। वंदना की नई नई शादी हुई थी, फिर भी वंदना खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सास एक झगड़ालू और तानेबाज औरत थी। वंदना का पति सुबह सुबह काम पर चला जाता और सास शुरू हो जाती। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो घर सामान से भर जाएगा। तेरे मायके वालों ने बस एक बकेट थमा दी और तू भी बकेट हिलाती चली आई। जी तो करता है उस बकेट के टुकड़े टुकड़े कर दूं। माँ जी, बकेट को कुछ ना करो, मेरी दादी की आखिरी निशानी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वंदना मायके से दादी की एक बकेट लेकर आई थी। दादी की आखिरी निशानी समझकर बकेट का अच्छे से ख्याल रखती थी। ठीक है, जा कपड़े धोकर आ। वंदना बकेट में कपड़े रख कर निकल पड़ी और नदी किनारे आकर रोने लगी। रोज वंदना नदी के किनारे आकर मन हल्का करती थी और कपड़े धोकर घर निकलती थी। उस दिन भी वंदना नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। शादी करके मैं तो बुरी तरह फंस गई। पढ़ाई लिखाई में तेज थी, सोचा था शादी ना होती तो अफसर बन जाती, जिंदगी के मजे लेती। माँ बाबूजी ने ससुराल नहीं नरक भेजा है मुझे। दादी जिंदा होती तो ये सब ना होता। वंदना फूट फूट कर रोने लगी और कुछ पल बाद वो शांत हो गई। अब रोने से क्या फायदा, कपड़े भी तो रगड़ने हैं, देर हुई तो सास की सांस अटक जाएगी। वंदना ने बकेट हाथ में ली और पानी में डुबोने ही वाली थी कि उसके हाथ से बकेट फिसल गई और पानी के साथ साथ तैरते हुए जाने लगी। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? मेरी बकेट, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वंदना बकेट की तरफ असहाय होकर देखती रही कि अचानक नदी के बीचों बीच जाकर बकेट थम गई और वंदना खुश हो गई। अरे, ये तो अपने आप रुक गई। ए बकेटिया, प्यारी प्यारी बकेटिया, आ आजा, आ मेरे पास। वंदना बकेट को बुला रही थी लेकिन बकेट हिली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ये देखकर वंदना की बोलती ही बंद हो गई, बकेट बढ़ती चली गई। और बढ़ते बढ़ते जैसे जहाज बन गई। चमत्कार देखकर वंदना के होश उड़ गए थे। तभी बकेट से एक सीढ़ी वंदना की तरफ आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। बकेट मुझे बुला रही है, दादी ये क्या करिश्मा है? हाय दैया, क्या करूं? वंदना काफी डरी हुई थी। तभी उसे ख्याल आया, बकेट दादी की है और दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे बकेट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वंदना बकेट की सीढ़ियां चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया। वंदना ने देखा एक हैंडसम युवक ने उसे संभाला था। घबराइए नहीं, मैं आपका दास हूँ, चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ। वंदना युवक के साथ बकेट के अंदर आई तो अंदर का माहौल देखकर हर्षित हो उठी। माहौल किसी 5-स्टार होटल से कम ना था। दास दासियां सिर झुकाकर उसके स्वागत में खड़े थे। ये आपके दादी की बकेट है, दादी बकेट में बैठकर पूरी दुनिया घूमती थी, दादी के बाद आप ही हमारी मालकिन हो, हम आपको बकेट की सफर करवाते हैं। फिर क्या, बकेट जहाज की तरह पानी में चलने लगी और चलते चलते विशाल समंदर में आ पहुंची। वंदना बकेट यात्रा के मजे ले रही थी, आराम से खा पी रही थी। बकेट को नदी की तरफ घुमाया गया
वंदना सीढ़ियों से उतरकर किनारे पर आई और चमत्कार हो गया। बकेट फिर से छोटी हो गई और तैरते तैरते वंदना की तरफ आई तो वंदना ने बकेट उठाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, कपड़े धोने के बहाने वंदना रोज नदी पर आती और बकेट में बैठकर दूर दूर तक सफर करती और किनारे पर आकर बकेट उठाकर घर चली जाती। एक दिन वंदना की पड़ोसन वंदना के पास आकर बोली, मेरी बकेट टूट गई है, कपड़े धोने हैं, तुम्हारी बकेट देना। तो सुनकर वंदना डर गई और पड़ोसन से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर वंदना की सास बोली, अरे बकेट ही तो मांग रही है, तेरे बकेट को क्या हीरे मोती जड़े हैं, दे दे। कहा ना, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर सास को गुस्सा आया, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। सास वंदना को पीटने लगी। दिन भर सास बेरहमी से उसे पीटती रही, फिर भी वंदना ने अपनी बकेट नहीं दी। रात का वक्त था, वंदना बकेट लेकर नदी किनारे रो रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीनी है। उसने बकेट पानी में डाली और बकेट बढ़कर जहाज बन गई। वंदना सीढ़ियां चढ़कर बकेट में आई तो युवक बोला, बोलिए कहाँ जाना है? इस गांव से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वंदना का आदेश सुनते ही बकेट पानी में तैरने लगी और बकेट के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वंदना दूर चली गई। काजू मंडी गांव एक हाईवे किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन सुशिक्षित और बेरोजगार था, उसके माता पिता तो थे नहीं, पर हाईवे किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने खर्चे उठाता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता था। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और काफी खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से मन नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना होगा। दूसरे दिन रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। आंटी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। ओए आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियाँ मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ, तू कर पाएगा ये? भिख मंगा कहीं का, चल फूट यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। निराश रमन भी वहाँ से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो ना मेरी माँ गलत है, मैं माँ का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़ी आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और अस्वस्थ रमन घर चला आया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी माँ। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का व्यापार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे
अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा, लेकिन घोर निराशा मिली। 100 फीट गहराई के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला और रमन हताश होकर रोने लगा। सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला? धूल मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन शापित है, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडलू में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडलू रखा, कमंडलू गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। क्रोधित होकर ऋषि ने जमीन को शाप दिया कि ये बूंद बूंद को तरसेगी। पंडित की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलटी हो गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया तो कुएं में देखते ही देखते वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में पास हुआ है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पीछे देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक। किसानों से दूध खरीद कर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में पास हुआ। क्या हम हमारा दूध निकाल लें? बेशक निकालो, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया, कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में छोड़ने लगे। 2 मिनट के अंदर टैंकर फुल हो गया, लेकिन कुएं से एक बूंद दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया फिर भी कुआं हिल नहीं रहा, चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाई रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर्स के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर्स दूध चाहिए, मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो 50 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और सारा गांव कुआं देखने आया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, आंटी, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ पर डे कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आ जाना, शादी की तारीख निकालनी है। ये सुनकर रूपा शर्माई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को साधु बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडलू के दूध के साथ मिलाप हुआ, अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इस प्रकार दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया।